जम्मू कश्मीर का पर्यटन विभाग पर्यटकों को पर्यटन स्थलों पर स्नो बाइक लाकर मध्यम कश्मीर के बड़गाम जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यूसमर की यात्रा के लिए लुभाने की कोशिश कर रहा है। स्नो बाइक्स के मालिकों को विभाग की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं कि वे खुद पर्यटन स्थल पर तैनात रहें ताकि पर्यटकों को उस जगह पर आने के लिए आकर्षित किया जा सके और साथ ही साथ वे बर्फ पर सवारी का आनंद ले। इस दौरान जो है एक स्नो बाइक के मालिक ने बताया कि अधिकारियों से कम ज्ञात पर्यटन स्थलों में इस तरह के और अधिक आकर्षण बनाने के लिए कई प्रयास जारी हैं ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां पर पहुंचे और यहां पर इन जगहों के खूबसूरत नजारों को देख सके। उसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि ये न केवल अधिक पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। आपको बता दें कि स्नो बाइकिंग बर्फ पर साइकिल चलाने का खेल है। ये कश्मीर के पर्यटकों के आकर्षण में सर्दियों के मौसम में देखने को मिलता है जब बर्फबारी होती है। ये इसी महीने के पिछले महीने के 20 तारीख से यहाँ पर हम टूरिज्म डायरेक्टर डॉक्टर जीतू साहब ने हमें जो डायरेक्शन दी थी कि हमारी कुछ ऐसी हिडन प्लेसेस अभी भी कश्मीर के हैं जो अभी तक प्रमोट नहीं हुई है, जिनके बारे में ज़्यादा विजिटर्स को पता नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए थे। 21 तारीख से हम लोग यहाँ पर है और इस चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा असर यहाँ के जो लोकल्स पे पड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि वो भी अब चाहते हैं कि हम ये सब चीज़ें लाएँ और अपना जो है रोजगार कमाएं। कितने दिन हुए इस बाइक का यहाँ? करीब 10-12 दिन। यहाँ पे हमने लोकल से बात की है, इनका ये कहना है कि विंटर्स में यहाँ टूरिस्ट नहीं आते। जी, जब से बाइक का एहतमाम यहाँ पे हुआ उससे कितने टूरिस्ट आए हैं अभी तक आपकी नज़र में? जहाँ तक यहाँ के लोकल से हमने भी सुना कि टूरिस्ट तो यहाँ विंटर में आते ही नहीं थे, लेकिन जब से ये बाइकें यहाँ आई है तब से थोड़ा सा इसमें सुधार आया। तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए कि चाहे जो आपने कही कि हिडन प्लेसेस है उनको बड़ा कार लाने के लिए क्या करना चाहिए? ऐसे इकदाम और करने चाहिए जैसे अभी जो डॉक्टर जी नीतू साहब की तरफ से जो ये इनिशिएटिव लिया गया इसको मेरे ख्याल से जारी रखना चाहिए। हर साल इसी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि जो हमारी कश्मीर की खूबसूरती है वो सामने आ जाए। क्योंकि आपने बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक क्या कहे हम इसको कहने के लिए शब्द ही नहीं है, इतनी खूबसूरत जगह है, गुलमर्ग से भी खूबसूरत जगह है, लेकिन बदकस्मती से जो आज तक डिपार्टमेंट्स की तरफ से इसकी जानिब तवज्जो नहीं दिया गया जिसकी वजह से आज तक ये जो है इसकी खूबसूरती जो है ऐसे ही पड़ी रही। अभी जो मौजूदा सरकार है अभी हमारे पास यहाँ गवर्नर साहब, क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? उनसे भी हमारी यही गुजारिश है कि नौजवानों के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मौके वो फराम करें जिससे उनका रोज़गार भी बढ़े और जो हमारी ये टूरिस्ट प्लेसेस है डेस्टिनेशन से इनकी तरफ भी टूरिस्ट रागिब हो। थैंक यू भाई। बड़गाम से ऋषि इरशाद की रिपोर्ट।